हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने हुदैबिया पेपर्स बिल्स केस खोलने से मुतालिक नैब की दरखास्त पर समाअत से माजरत कर ली। बेंच टूट गया, समाअत गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी। शायद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मेरा पानामा फैसला नहीं पढ़ा। मैंने अपने फैसले में हुदैबिया पेपर मिल्स केस खोलने का हुक्म दिया। 20 अप्रैल के फैसले में इस पर 14 पैराग्राफ लिखे। मेरे सामने केस गलती से लग गया। नैब को कार्रवाई का कह चुका हूं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स। हुदैबिया केस के बाद शहबाज शरीफ भी नाअहल होंगे। इसहाक डार से वजारत खजाना वापस न लेने पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। नईमुल हक की गुड मॉर्निंग आज से गुफ्तगू। कहा आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भी मुकदमात खुलने चाहिए। राणा सनाउल्ला ने कहा इसहाक डार से बयान हरासत के दौरान लेकर रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया। हुदैबिया पेपर्स केस दोबारा खोलने की दरखास्त इंतकामी कार्रवाई है। नून लीग ओछे हटकंदों पर उतर आई। जजेज और फौज की किरदार कुशी की जा रही है। शेख रशीद का इल्जाम, हुदैबिया केस का फैसला 2 माह के अंदर होने की पेशगोई कर दी। नैब रेफरेंसेस, आईनी तरमीम और मौजूदा सूरत हाल पर नून लीग की सोच विचार। जाती उम्रा में नून लीग के सदर नवाज शरीफ की जेर सदारत अहम इजलास। वजीर आजम और स्पीकर कौमी असेंबली भी शरीक। इदारे बहुत मोहतरम हैं और विफाक की अलामत हैं। कुछ लोग इदारों को बदनाम कर रहे हैं जबकि इदारे अपने कामों में मसरूफ हैं। सूबाई वजीर इत्तिलात नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। एमक्यूएम पाकिस्तान के रुकन कौमी असेंबली अली रजा आबदी ने अपना इस्तीफा स्पीकर कौमी असेंबली को भिजवा दिया। कहा सियासी और जाती वजूहात की बिना पर कौमी असेंबली की रुकनियत छोड़ रहा। फैजाबाद में तहरीक लबैक पाकिस्तान के धरने से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। आमोदरफ्त आवाम के लिए अजाब बन गई। वजीर आजम की जेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज होगा। चारों वज़राए आला शरीक होंगे। मर्दमशुमारी और हल्का बंदियों पर इत्तेफाक की राय की कोशिश की जाएगी। कराची के इलाके मुमिनाबाद में मुबैना तौर पर नशे में धुत पुलिस एहलकारों की फायरिंग से 12 साल लड़का जां बहक। इलाका मकीनों का शदीद एहतजाज, चारों एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। मच्छर कॉलोनी में शौहर ने बीवी और साली को कत्ल कर दिया। बलूचिस्तान में मौसम सरमा की पहली बारिश और यालाबारी। कराची और सिंध के दीगर मकामात पर आज रात रिमझिम की पेशगोई। कल से बुध तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। स्मोक खत्म हो जाएगी। पंजाब में स्मोक का आज भी डेरा। ट्रेनों की आमदरफ्त और परवाजें मुतासिर रही। बोरेवाला में ट्रैफिक हादसा, खातून जां बहक। बल्तिस्तान में ताजिरों ने टैक्स का निफाज मुस्तरद कर दिया। तमाम अजला में शटर डाउन, हड़ताल। हुकूमत से तमाम टैक्स खत्म करने का मुतालबा। ईरान इराक सरहद पर जलजिले ने कयामत ढा दी। जां बहक अफराद की तादाद 207 हो गई। सैकड़ों जख्मी। जलजिले के झटके मशरक वस्ता के दीगर ममालिक और आर्मीनिया में भी महसूस किए गए। मनीला में आसियान का इजलास जारी। अमरीकी सदर और भारतीय वजीर आजम भी शरीक। मनीला में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुजाहरे। लेबनान के मुस्ताफी वजीर आजम साद अल हरेरी ने वतन वापसी का ऐलान कर दिया। कहा चंद रोज में सऊदी अरब से वापस लेबनान जाकर आईनी तरीके से इस्तीफा दूंगा।